दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीपीएन की, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की। दोस्तों वीपीएन क्या होता है और इसका यूज क्या है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही यह भी बताने वाला हूँ कि क्या वीपीएन के थ्रू किसी ब्लॉक्ड साइट यानी टोरेंट साइट्स को ओपन किया जा सकता है और क्या हैकर इनका यूज करके हैकिंग कर सकते हैं, यह सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर प्रतीक सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बटर ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों इसके बारे में हम सिंपली समझते हैं, अगर विदाउट वीपीएन हम किसी चीज को सर्च करते हैं, जैसे गूगल में हमने कुछ भी सर्च किया और अगर वो ब्लॉक्ड साइटें हैं, तो एक्चुअली होता क्या है कि जो भी आपके इंटरनेट प्रोवाइडर हैं, आपने जिस भी ISP से अपने इंटरनेट का कनेक्शन लिया है, चाहे वो जियो हो, चाहे BSNL हो, चाहे एयरटेल हो, आप जब भी कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो पहले उनके पास क्वेरी पहुंचती है और फिर वो आगे बढ़ाते हैं, उस सर्वर तक आपको पहुंचाते हैं। अगर आपने गूगल पे कुछ भी सर्च किया और अगर वो ब्लॉक्ड साइटें हैं तो आपके ISP उसको ब्लॉक कर देंगे, आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, वो गूगल के सर्वर तक पहुंचने ही नहीं देगा, ISP आपको पहले ही रोक लेगा। और अगर यही सेम चीज अगर आप VPN के थ्रू करते हैं, यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू करते हैं, तो यह एक टनल के रूप में काम करता है, ये टनल बना लेता है। अगर आपने सर्च किया कुछ भी तो उसमें वो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं जाती है कि आपने सर्च क्या किया, आपके ISP को यही लगेगा कि आपने VPN के किसी सर्वर को सर्च किया है, यानी आप VPN के किसी सर्वर तक पहुंचना चाहते हैं। वो सर्वर हो सकता है कि USA में हो, सिंगापुर में हो या इंडिया में ही हो किसी जगह, तो आपका ISP डायरेक्ट VPN के सर्वर तक पहुंचा देगा और इसके सर्वर का नाम होता है VPS, यानी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। तो आप VPS तक पहुंच चुके होते हैं, उसके बाद VPS क्या करता है कि आपने जो भी क्वेरी सर्च की है, जिस भी साइट को आपने सर्च किया है, तो VPS के पास वो लॉक्स बन जाते हैं और उसके बाद वो डायरेक्ट उस सर्वर तक आपको पहुंचाता है और जिससे ब्लॉक्ड साइटों को भी आप एक्सेस कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब एक मिथ चीज और होती है लोगों के बीच में, वो ये सोचते हैं कि अगर हम VPS के थ्रू किसी भी चीज को सर्च करते हैं तो आपको स्पीड ज्यादा मिलेगी। जी नहीं, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि ये बात बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। अब मान लीजिए आप किसी साइट को, यानी फेसबुक को आप डायरेक्टली सर्च कर रहे हो, तो आपके ISP तक क्वेरी जाएगी और ISP डायरेक्ट आपको फेसबुक तक पहुँचाएगा, और वही आप अगर VPN के थ्रू करते हैं तो पहले क्वेरी आपके ISP तक जाएगी, ISP आपके VPN सर्वर तक पहुँचाएगा और उसके बाद VPN सर्वर से आप फिर से जाके फेसबुक सर्वर तक पहुंचेंगे, तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। और दूसरी चीज ये भी है कि भले ही VPS के पास 100 Mbps का स्पीड है, लेकिन आपके पास, यानी आपका जो नेटवर्क कनेक्शन है, अगर मान लीजिए वो 1 Mbps का ही है, तो आपको स्पीड जो है 1 Mbps की ही मिलेगी। अब थर्ड कंफ्यूजन ये है लोगों के बीच कि वो ये सोचते हैं कि अगर हम VPN के थ्रू कुछ भी इलीगल काम करते हैं तो वो गवर्नमेंट को पता नहीं चलता। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भले ही आप कोई भी इलीगल काम करते हैं तो उसका लॉग आपके ISP तक नहीं जाता, लेकिन उसका लॉग VPN सर्वर तक तो पहुंचता है। VPN सर्वर के पास तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है कि आपने क्या क्या एक्सेस किया उसके थ्रू, वहां से भी आपको गवर्नमेंट पकड़ सकती है कि आपने क्या क्या इलीगल काम किया है, तो इसलिए इससे सतर्क रहें। हाँ, कुछ हैकर्स ऐसा करते हैं, लेकिन वो मल्टीपल VPN के थ्रू लूप बना बना के वहां तक पहुंचते हैं और उसके बाद कुछ इलीगल काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भी पकड़े नहीं जाते हैं, एक टाइम के बाद वो भी पकड़े जाते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे यही बताना चाहूंगा कि आप कुछ भी इलीगल काम ना करें VPN के थ्रू, क्योंकि गवर्नमेंट को VPN के थ्रू भी आप कुछ इलीगल काम करते हैं तो वो भी पता चल जाता है। तो दोस्तों आई थिंक आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे, अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।